लोगों ने मन बना लिया कि भाजपा को हराएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। ये तो पहले भी नहीं गए थे 75 पारा 40 पे पाए थे, कहाँ है ये तो नंबर पे है ही नहीं, कहीं नहीं है। भाजपा एक बताओ भाजपा को कौन वोट देगा। दो नेगेटिव पॉइंट है, भाजपा भी नेगेटिव है समाज में क्योंकि भाजपा ने 8 साल में कुछ नहीं दिया लोगों को, केवल भ्रमित किया, जात पात मजहब और धर्म को फैलाने का काम किया, नफरत फैलाने का काम किया। आप ये देखिए भाजपा को क्यों वोट देंगे। आप आदमपुर में रहते हैं, आदमपुर की क्या बदहाली है। आदमपुर से तो एक गांव, हर गांव अच्छा है आदमपुर मंडी से, इसीलिए कौन जिम्मेवार है बीजेपी, इसके लिए कौन जिम्मेवार है कुलदीप बिश्नोई। उससे ज़्यादा वोट लूँगा, कुलदीप बिश्नोई ने जो वोट लिए थे उससे ज़्यादा वोट मिलेंगे। जयप्रकाश जी, कुलदीप बिश्नोई तो कह रहे हैं कि सीट हमेशा से भजनाड़ परिवार के लिए रही है। देखिए चौधरी भजनाड़ का जैसे मैंने कहा कि उस स्वर्ग में बैठे वो यहाँ है नहीं, इस धरती पे नहीं है, उनके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन जिस दिन से कुलदीप बिश्नोई ने, आपको याद होगा 2009 में इसने पार्टी छोड़ी, 7 में छोड़ी, यानी कि ऐसा निर्मोया बेटा किसी ने देखा है। कल धर्मपाल मलिक आए थे, चौधरी भजनाड़ के बहुत नज़दीक के थे, उन्होंने बताई काम की बात, बोला JP मेरा और चौधरी भजनाड़ का तो इस्तीफा करवा दिया बेटे ने, और खुद इस्तीफा दिया ही नहीं। देखिए गढ़ तो ये जनता का है, प्रजातंत्र में बेचारों को ज्ञान ही नहीं प्रजातंत्र क्या होता है, क्योंकि वो भी बड़े परिवार में ना आम आदमी पार्टी की टिकट खास आदमी को दे दी, उसका बड़ा भारी विरोध हो रहा है। कल मैं उसके गाँव में जाऊँगा, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, वहाँ देखना जयप्रकाश का कितना आशीर्वाद, कितना प्यार लोगों से मिलेगा। मैं अभय सिंह को सीरियस नहीं लेता, कोई भी लेता, गढ़वाले भी सीरियस नहीं लेते, सीरियस नहीं है। आदमपुर की जनता को मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि 26 साल तक आपने कुलदीप बिश्नोई उसके परिवार को परखा है, 14 महीने जयप्रकाश को मौका दो। 14 महीने में जो आदमपुर की बदहाली है, आदमपुर का जो रूखापन, राजनीतिक रूखापन है, उसको ख़त्म जयप्रकाश कराएगा। विपक्ष में रहते हुए कौन कहता है कि विपक्ष के विधायक के काम नहीं होते, विपक्ष के विधायकों के काम ना हो तो लोग फिर क्यों चुनेंगे। 90 सत्ता पक्ष के लोगों को चुन देंगे। जयप्रकाश 5 वर्ष तक विपक्ष का विधायक रहा, हमने कलायत में कॉलेज बनाए हैं, हमने राजुन में सीवरेज सिस्टम बनाया है, 5 करोड़ रुपए कोई पक्ष और विपक्ष का MLA हो सबको हमने काम का प्रोविजन, हम काम करने की इजाज़त होती है तो हम अपने काम करते हैं। मैं बढ़िया काम करूँगा, थारे भी मौज करूँगा, क्योंकि आप लोग भी स्कूटर चलाते हुए कार चलाने बड़े परेशान रहते हो, क्योंकि व्हील बैलेंसिंग रोज़ करवाना पड़ता हो। कुलदीप और मैं कट्ठे MP थे, 2005 से लेकर के 2009 तक हम दोनों MP रहे हैं, वो भिवानी से MP था और मैं हिसार से MP था। मैंने तो हिसार में यूनिवर्सिटी भी बनवा दी, मैंने हिसार में 2 एक्सप्रेस हाईवे बना दिए, रोहतक से लेकर डबवड़ी तक, राजगढ़ से लेकर के अम्बाड़ा तक, और मैंने सबसे बड़ा काम एज ए मेंबर पार्लियामेंट किया है हांसी से लेकर के भिवानी तक रेलवे रोड रेलवे लाइन जुड़वाने का काम किया, बरवाड़ा में हमने बहुत बड़ा थर्मल पावर प्लांट लगाया, अब सबको मालूम है। तो कुलदीप बिश्नोई ने 5 वर्ष तो राज में था, वो क्यों नहीं किया आदमपुर का विकास, जब जयप्रकाश बरवाड़ा का विकास कर सकता है, हिसार का विकास कर सकता है, नानंद का कलायत का विकास कर सकता है, कलायत के सारे हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र में थे, जयप्रकाश कलायत के लोगों ने इंडिपेंडेंट जिता दिया, हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र का तो हिस्सा था। मैं MP रहा, मैंने अच्छे काम किए जभी तो जीता हूँ। तो कुलदीप तो 2009 में लड़ गया, फिर इतना बच गया, जैसे कहते हो ना कबड्डी खेलते हुए बोला मरते मरते पाड़ा का हाथ लगा दिया, पाड़ा पार नहीं कर पाया, तो बड़ी मुश्किल जान बची है। इसलिए साथियों मैं आपसे कहना चाहूँगा, इनके लोगों ने मन बना लिया है, लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दे। तो जयप्रकाश जी, अगर आपके आदमपुर की जनता आपके ऊपर विश्वास करती है तो 2024 में कल आई थी आदमपुर वो तो फैसला हो गया, मैं घर देख लिया, तड़के चल के यू भी निकल ले लिया, ये मैं मेरा घर दिखाऊंगा, मैंने फैसला कर दिया। मैं आदमपुर के साथियों से कहना चाहता हूँ कि कलायत में हमारा परिवार लड़ेगा, लेकिन मैं अब तक जब तक राजनीति करूँगा केवल और केवल आदमपुर की करूँगा।